विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों की सहूलियत के लिए एसयूवी धार गाड़ी मंगाई गई है, लेकिन बुजुर्ग के बजाय थार में वीआईपी और स्वस्थ लोग यात्रा करते नजर आ रहे हैं, जिसका पुरोहितों के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है। वही अब इस मामले में सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, केदारनाथ धाम में एसयूवी थार इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दरअसल पर्यटन विभाग ने हाल ही में केदारनाथ धाम में सेना के हेलीकॉप्टर से थार वाहन को पहुंचाया है। हालांकि इसके पीछे का मकसद था कि बुजुर्ग और अस्वस्थ श्रद्धालु हेलीपैड से लेकर मंदिर प्रांगण की दूरी आराम से तय कर सके। ऐसे तमाम श्रद्धालुओं को एक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये सकारात्मक फैसला लिया था। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्वस्थ युवक और युवती थार से मंदिर तक पहुँचे हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस मामले में अब स्थानीय लोगों के साथ साथ विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वीआईपी और खास लोगों के लिए थार की व्यवस्था की गई है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा अच्छे काम पर सवाल खड़े करती है। साथ ही बीजेपी ने पूरे मामले में जाँच की बात कही है। तो केदारनाथ में जिस तरीके से थार जैसी गाड़ी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया गया, तो हम पहले दिन से ही इसका विरोध कर रहे थे। पुरोहित और स्थानीय लोग भी इसका विरोध कर रहे थे कि केदारनाथ जी की जो धार्मिक परंपराएं हैं और वहां की पर्यावरणीय जो संवेदनशीलता है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और अब आप देखिए कि बाद में सरकार ने कहा कि विकलांग लोगों के लिए थार पहुँचाई गई, लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अच्छे खासे हट्टे कट्ठे लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं। तो ये क्या मनमानी है? भाजपा जो है अपनी वीआईपी लोगों के लिए इस प्रकार के जो है षड्यंत्र रच रही है। अब जांच की बात हो रही है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि जो दोषियों पर जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार लगातार मनमानी करती रही है और केदारनाथ की संवेदनशीलता और धार्मिक मान्यताओं से खिलवाड़ हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि कांग्रेस को तो कुछ दिखाई नहीं देता, अच्छे काम में भी उनको गलतियां नजर आती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु इस तरीके से गया है तो उसमें जांच करेंगे जो भी संबंधित अधिकारी वहाँ पर हैं, लेकिन वो हमारे जो बुजुर्ग हैं या कोई विकलांग है या किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी को हृदय की परेशानी है, उसी के लिए वो पहुँची है वहाँ पर गाड़ी। तो मुझे लगता है कि वो सुविधाओं के लिए है, तो वो तमाम सभी उन श्रद्धालुओं के लिए है जो वहाँ पर चलकर नहीं जा सकते, उनके लिए है। और अगर किसी तरीके से कोई श्रद्धालु इस तरीके से जो सही स्वस्थ अगर हो, अगर वो उससे गया होगा, तो ये जाँच का विषय, इसमें जाँच हो जाएगी तो पता लग जाएगा कहाँ क्या गलती हुई। राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने वायरल वीडियो मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। पर्यटन विभाग द्वारा दो थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं, और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो है सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे, इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा, और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम में थार पहुंचने के बाद अब रार नजर आ रही है। थार पर पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच अब लाजमी होगा कि केदारनाथ धाम से थार गाड़ी हटाई जाएगी या नहीं।